किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के भी राशिफल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 19 मई दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर आपकी भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है, कमेंट में जय गणपति महाराज अवश्य लिखना। दोस्तों अगर आप वीडियो पर पहली बार आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले आज आपको बताएंगे आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं ऐसे घरों में हमेशा सुखी रहता है परिवार। उनका कहना है कि एक सुखद घर और परिवार के लिए मनुष्य के जीवन में बहुत सी चीज़ें भूमिका निभाती है। इसमें घर परिवार से जुड़े लोग और उनसे जुड़े काम काफ़ी महत्व रखते हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में इन चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने चाणक्य नीति के एक श्लोक में बताया कि कैसे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। चाणक्य जी बताते हैं कि उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियाँ अच्छी बुद्धि से युक्त हों, जिसकी पत्नी नृत्य भारिणी हो यानी मधुर बोलने वाली हो, जिसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हों, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हों एवं जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता है कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती है, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भजन और मधुर पेयों की व्यवस्था होती है, सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता है, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है, प्रशंसा के योग्य है। उनका कहना है कि आदर्श गृहस्थ का रूप स्वरूप कैसा होना चाहिए इस ओर आचार्य ने इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। वे कहते हैं कि सानन सदन सुतासित साध्या कांत प्रिय लापिनी इच्छा पूर्ति धन सवत्युषिता स्वाज्ञपरा सेविका, अर्थात वही घर धन्य है जो सुख समृद्धि एवं जिन सद्बुद्धि से युक्त है। तो दोस्तों ये था आज का चाणक्य का चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको आज का चाणक्य नीति ज्ञान पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों अब जानते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। दोस्तों आज 19 मई दिन बुधवार है, तिथि सप्तमी है, नक्षत्र अश्लेषा है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, माह बैसाख है, सूर्योदय होगा 5:11 पर, आज सूर्यास्त होगा 6:38 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है 2:09 से 3:48 पर और आज का अशुभ समय है 11:27 से 12:21 पर। आज कुंभ राशि वालों का लकी नंबर 8 है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आज आपका दिन, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों, समय कुछ बहादुरी भरे कदम उठाने का है, इसमें हिचकिए मत, इसके स्थान पर मजबूत फैसला लीजिए और अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वासपूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। शायद आपको अभी ये प्रतीत ना हो, पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा। आज कुंभ राशि वालों, आपकी ऊर्जा आपको काफ़ी उत्साही मनोवृत्ति में रहेगी। आप पिछले कुछ समय से व्यायाम का अभ्यास नहीं कर पा रहे थे और इस कारण काफ़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे, आज का दिन वही सब कुछ करने के लिए काफ़ी अच्छा दिन है और आप स्वास्थ्य को अपने जीवन शैली का एक अंग बनाना चाहते हैं और आज आप इसके लिए प्रयास शुरू करेंगे। व्यायाम करते हुए सही तरीके का पालन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है। सभी पक्षों की प्रतिबंधताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे हैं। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है, इस अवसर को आराम करने या अपने साथी या परिवार के साथ खुशी से बिताएं। आपको परिचित चीज़ों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाने के बजाय बाहरी चीज़ों या बाहर के आनंद उठाने पे ज़्यादा ध्यान दें। आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का ये उपयुक्त समय देख रहे थे जो कि आपको मिल चुका है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे तो
ये समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है, जो कि आपको उचित दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस उपरांत आपको अगर कोई जोखिम लेना पड़े तो ना सोचें, क्योंकि इस जोखिम आपको अंत में मददगार साबित होगा। तो कुंभ राशि वालों, आज किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, आज किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ में माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। शाम को माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाइए, आज किसी अपने से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार रहने वाला है, आपको कोई ज़रूरी काम आज आसानी से पूरा हो जाएगा, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। सुबह उठने के बाद धरती माँ को छूकर प्रणाम करें, घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज आप किसी और की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता भी ख़राब हो सकता है। पति पत्नी के बीच भी किसी छोटी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। बच्चों की तरफ से आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दिन के अंत सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशिफल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका दिन शुभ हो। राधे कृष्णा दोस्तों।